तो अभी आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा है, इस वीडियो का जो VFX है हम अपने फ़ोन से बनाने वाले हैं। अगर आप भी VFX को सीख रहे हैं या VFX को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे जो एडवांस लेवल के VFX होते हैं वो फ़ोन से कैसे एडिट किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो को शूट करना है। वीडियो को शूट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन ट्राइपॉड पे होना चाहिए, एंड इसके बाद आपको इस तरह से एक्टिंग कर लेना है। एक्टिंग करने के बाद आपको कैमरे के सामने से हट जाना है और खाली जगह का भी आपको वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेना है। ये आपको वीडियो के अंदर काम आने वाला है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इतना काम कंप्लीट होने के बाद आपको आ जाना है काइन मास्टर वाले एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दोनों वीडियो को काइन मास्टर के टाइमलाइन पर लेकर आना है, एंड काइन मास्टर के टाइमलाइन पर अपने दोनों वीडियो को लाने के बाद इस जगह से लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाके अपने इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके ब्लैक स्क्रीन को रिमूव करने के लिए आपको ब्लेंडिंग पे जाना है और स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बैकग्राउंड का जो ब्लैक स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा और इसको फुल स्क्रीन में फिट करने के लिए स्क्रीन पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको प्ले करके देखना है। तो इसमें होगा क्या कि आपका जो पोर्टल अभी आपने इफेक्ट को ऐड किया है वो आपके बॉडी के ऊपर ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसको पीछे कैसे करना है इसके लिए ध्यान से देखिएगा, स्टेप्स को फॉलो करिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मेन वीडियो का एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो थ्री डॉट पे जाना है, डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मेन वीडियो है, ठीक है, उसका एक लेयर क्रिएट हो जाएगा नीचे। और इसके बाद अब क्या करना है, अब इस वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है, साइड में एक ऑप्शन दिखेगा कि मैजिक रिमूवर, ठीक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा समय लेगा और आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पे डबल क्लिक कर देना है जिससे ये इस पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाएगा और इसके बाद आपका जो मेन वीडियो है उससे मर्ज हो जाएगा, जैसे लगेगा कि नहीं कि आपने इसको मतलब बैकग्राउंड रिमूव किया। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको प्ले करके देख लेना है, ये जो आपका डुप्लीकेट लेयर आपने बनाया था ना, ये आपके पोर्टल के ऊपर आ गया है और ये वीडियो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको। एंड नेक्स्ट क्या करना है कि जो मैंने दिखाया था कि पोर्टल के अंदर कैसे आपको जाना है और इनविजिबल हो जाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने लेयर वाले वीडियो को क्रॉप कर देना है जहाँ से आप पोर्टल के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से स्प्लिट कर देना है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एंड जहाँ से आप अंदर जा रहे हैं उस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आना है और क्रॉप करके लाके सेंटर में ऐसे रख देना है। और हाँ, मास्क को इनेबल करके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, ताकि आपका जो पोर्टल है वो रियलिस्टिक लगे, ठीक है, रियल लगे। नहीं तो अगर आप मास्क को इनेबल करके फेदर को नहीं बढ़ाएंगे तो ये कटा हुआ लगेगा और फेक लगेगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ कर लेना है। एंड इसके बाद आपको इसको बीच में रख देना है। बीच में रखते ही क्या होगा कि आप पोर्टल के अंदर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप इसको प्ले करके देख लीजिएगा, आपका वीडियो उस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब इतना काम होने के बाद नेक्स्ट क्या है कि जो पोर्टल के अंदर ब्लरी इफेक्ट था, जो आपने प्रीव्यू में देखा था कि पोर्टल के अंदर ब्लरी इफेक्ट था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, स्टार्टिंग में आना है और इफेक्ट्स में जाना है। और ब्लर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको स्पाइरल ब्लर करके एक मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। स्पाइरल ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको बैक आना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्पाइरल ब्लर, ठीक है, इस पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये टाइमलाइन पर आपके आ जाएगा। एंड अब क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है, इसके स्ट्रेंथ, रेडियस, सेंटर एक्स और सेंटर वाई, यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। एंड शेप में आके इसको सर्कल वाला शेप दे देना है, ठीक है, और इसके फेदर को बढ़ा देना है। बढ़ाने से क्या हुआ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि फेदर को बढ़ाने से ये चीज़ें रियल लगती हैं, तो इसलिए आपको इसको बढ़ा देना है और इसको छोटा करके अपने पोर्टल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ऐसे लगा देना है, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इससे इसके जो ब्लरी इफेक्ट को कैसे मिलाया जाए। तो अब इसको क्या करना है, अब अपने जो लेयर था ब्लरी इफेक्ट वाला, इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो पहला पार्ट है उसका ओपेसिटी कम कर देना है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी कम कर देना है, ठीक है, स्ट्रेंथ कम कर देना है। अब जो सेकेंड पार्ट है उसका भी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा सा कम करना है, स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा देना है पिछले वाले से। और जो लास्ट वाला आपका है, ठीक है, जो मेन है आपका, उसका स्ट्रेंथ आपको बढ़ा देना है जितना आपको अपने वीडियो में रखना है। आपका जो लेयर वाला वीडियो है इसको कर देना है ब्रिंग टू फ्रंट। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जहां से आपने क्रॉप किया था अपने मेन लेयर वाले वीडियो को उतने पार्ट को यहां पे भी क्रॉप करना है। एंड इसको क्या कर देना है, बढ़ा देना है पूरा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।